हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कैलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो अवेलेबल कराने जा रहा हूं। और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जो मिलने वाला अति महत्वपूर्ण बेनिफिट है उसको उठाएं आप। तो और आप जब भी किसी वीडियो को ओपन करें, शुरू से लेकर अंत तक स्टडी करें। इस चैनल से जो क्वेश्चंस आते हैं उसका आप एक नोट्स बनाएं और अपने तैयारी का कैलकुलेशन करें कि आपकी तैयारी में क्या सुधार हो रहा है। आप पाएंगे कि आपकी तैयारी में काफ़ी सुधार आ गया है। और बिकॉज की सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं कोर क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराता हूँ वीडियो के थ्रू। तो आप देखिए, क्वेश्चन है पहला, सौ ईयर में कितना लीप ईयर होते हैं। देखिए, लीप ईयर जानने का है, हर चार साल में एक लीप ईयर आता है। जो ईयर जो इस बीच चार से कट जाएगा उसको लीप ईयर कहते हैं। तो जैसे कि अगर आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए लीप ईयर है, चार से कट जाएगा या चार से कट जाएगा। इसी तरह आप जब लिखते जाएंगे, आप यहाँ पर 96 आएगा, फिर 100 आएगा, तो यह भी चार से कट जाएगा। लेकिन 100 जो है वह ईस्वी नहीं, वह जो है शताब्दी वर्ष है। अगर कोई ईस्वी के लास्ट में 00 रहेगा उसको शताब्दी वर्ष कहते हैं, और शताब्दी वर्ष रहने पर उसको हम चार से नहीं काटते हैं, 400 से विभाजित करते हैं। या चार से कटेगा, लीप ईयर है, कटेगा, इसको 400 से काटेंगे, नहीं कटेगा, ये लीप ईयर नहीं है। 100 लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है। तो सवाल है कि 4, 8, 12 ऐसा टर्म हमको 96 तक जाएगा। एक तरह से ये चार का टेबल है, तो 96 टर्म, 4, 8, 12, 96 तक, तो इसमें 24 टर्म आ गया। तो हमें पता चल गया इसको गिनने से, तो हम जान गए 100 साल में कितना होता है लीप ईयर। 100 साल में 24 होता है लीप ईयर। अब 100 ईयर में कितने साधारण वर्ष होते हैं, 100 ईयर में कितने साधारण वर्ष होते हैं, तो सीधा सा बात है, 100 साल में ईयर दुए तरह होता है, साधारण वर्ष और लीप ईयर। तो आप यहाँ पर 100 साल में 24 जान गए लीप ईयर होता है, तो 24 को घटा दीजिए। हम लोग सीखे कि 100 साल में 76 होता है साधारण वर्ष। 100 साल में आपको याद कर जाना है, 100 साल में 24 होता है लीप ईयर और 76 होता है साधारण वर्ष, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं जनरल ईयर, और लीप ईयर को हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। तो अब मैं अगले वीडियो में फिर आपको कैलेंडर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू। हम लोग अगले वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।